सो फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओला ई स्कूटर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि पहले मार्केट में ये था कि ई स्कूटर की लाइन में ओला नहीं था। ओला को हम सिर्फ जानते थे कि ओला केवल हमें राइड के लिए या फिर किसी टैक्सी के लिए, किसी बाइक को बुक करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट इस बार ऐसा हो चुका कि ओला डायरेक्टली इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में घुस चुका है और इस बार ओला ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अगर आपको पता हो तो ओला का जो ये ई स्कूटर आने वाला है उसके बारे में हम बात करेंगे। और पहले मैं जानकारी दे दूँ तो ओला का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है, जो कि तमिलनाडु में, और 500 एकड़ की प्रॉपर्टी में उसे बनाया गया है। मतलब काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे कुछ फुटेज आपको दिखाई दे रही होगी, वहाँ आप देख सकते हो। और काफ़ी सोच समझ के प्लान किया है। तकरीबन एक साल में या फिर एक महीने में 10 लाख यूनिट यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, जो कि शायद हीरो, TVS वगैरह कोई भी नहीं कर सकता है। देखिए, अगर पहले बात करें हम कुछ कमियों के बारे में, इलेक्ट्रिक स्कूटर में क्या क्या कमियाँ होती है, वो ये होती है कि इन्हें चार्जिंग की सही फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, ज़्यादा स्पीड तक ये गेन नहीं कर पाती है, और प्रॉपरली हम इन्हें कहीं बाहर जाएं तो लंबी राइड पर नहीं लेके जा सकते क्योंकि कहीं चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज़ें सोल्व करने के लिए ओला मार्केट में आ चुकी है और ओला ने काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ की और काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट होने वाली, क्या क्या होने वाली मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ओला स्कूटर के कितने वेरियंट है, कितने कलर मिलेगा, आप कैसे बुकिंग कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बात करें ओला और इट्रिगो के बारे में, तो इट्रिगो 2 साल से ओला के साथ में कोलैबोरेशन कर चुकी है और यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा ई स्कूटर तैयार किया है जो कि शायद कई चीज़ों में अच्छा होगा। और इट्रिगो ऑलरेडी ई स्कूटर बना रहा है तो ओला ने इसको एक्वायर कर लिया। और मैंने आपको जैसे बताया था कि 500 एकड़ की भूमि में इनका एक प्लांट चल रहा है जो कि तमिलनाडु में, और काफ़ी अच्छा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ ओला ई स्कूटर के कलर्स के बारे में, तो 10 कलर में ये स्कूटर देखने को मिलेगा। और तकरीबन मैट ब्लैक कलर भी है, मैट रेड कलर भी है, मैट वाइट कलर भी है, और काफ़ी मतलब यूनिक से कलर, और काफ़ी मिनिमलिस्टिक से कलर है। मतलब जैसे कि आप इस स्कूटी में देखते हो तो काफ़ी अलग अलग से कलर है। मतलब यहाँ पे रेड है, यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, ऐसा कुछ सीन है। बट उस स्कूटर में ऐसा सीन नहीं है, एकदम मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन है और काफ़ी यूनिक सा डिज़ाइन है। मतलब आपको कोई भी स्कूटर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप सामने की साइड में हेडलाइट को भी देखते हो तो 2 बल्ब दिए हुए हैं, मतलब ओला की ब्रांडिंग ही समझ सकते हो उसे आप। और साथ ही में जो रिंग लाइट दी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी लग रही है, और इंडिकेटर्स भी अगर आप देखते हो तो वो भी काफ़ी यूनिक से लगते हैं। अब बात करें इनके बारे में, तो कैसा है कैसा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो स्कूटी है मैंने आपको बताया कि 10 कलर में अवेलेबल है। साथ ही में ओला कोशिश कर रहा है कि इसकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड तकरीबन 75 से 100 किलोमीटर या फिर 100 से अबव जाए, क्योंकि अभी तक की इंडस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 60 से 70 की स्पीड में मिलती है स्कूटियाँ, जो ई स्कूटर है, और हमें उन्हें लॉन्ग राइड पर नहीं लेके जा सकते हैं, जो कि दिक्कत है। बट ओला यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में विचार कर रहा है और यहाँ पे तकरीबन 100 के अबव स्पीड लेके जाने की शायद बातचीत चल रही है। और उसके बारे में बात करें बाद में, तो यहाँ पे 3 वेरिएंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे, S1, S, S1 और S Pro, जो कि प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होंगे, थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर अलग भी की जा रही है। और बात करें अगर इनकी चार्जिंग के बारे में, तो चार्जिंग की मैं बात करूँ तकरीबन 4 से 5 घंटों में इसे चार्जिंग के दौरान आप इसे चार्जिंग के बाद में आप इसे यूज कर सकते हो, और तकरीबन शायद 100 से 175 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी, जो कि शायद अब तक की स्कूटी में ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि ओला और इट्रिगो कोलैबोरेशन करने के बाद में काफ़ी यूनिक सी चीज़ बना रही है, जो कि हमें देखने को मिलेगी। रिजल्ट्स अभी देखने को मिलेंगे और काफ़ी जल्दी लॉन्च होने, शायद 15 अगस्त को ही लॉन्च हो जाए। और प्री बुकिंग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बात करें इनके चार्जिंग स्टेशन के बारे में, तो ओला ने ये कहा है कि शायद हम चार्जिंग स्टेशन हर मेजर सिटीज़ में खोल दें, और उसके बाद में चार्जिंग के जो इनके चार्जिंग स्टेशन है वहाँ पे 18 मिनट में तकरीबन 75 किलोमीटर के लिए आप इसे चार्ज कर सकते हो, जो कि कोई भी मतलब इशू नहीं होगा। अगर आप कहीं रुकना चाहते हो, उसके बाद में चार्ज करना चाहते हो, तो 18 मिनट में 75 किलोमीटर का चार्जिंग आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। बट अगर आप घर पर चार्ज करते हो तो वो चीज़ नहीं है। तो मार्ग में काफ़ी अवरोध के कारण हम ये वीडियो थोड़ा कट कट के शूट कर रहे हैं, बट हालांकि जब बना रहे हैं तो बनेगा पूरा, अभी कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे मैंने आपको स्पीड के बारे में बताया था कि स्पीड तकरीबन 90 से 100 किलोमीटर की रहने वाली है। और चार्जिंग के बारे में आपको बता दिया था कि इसकी चार्जिंग की कैपेसिटी 4 से 5 घंटों की रहेगी और 100 से 175 किलोमीटर तक ही चल सकती है। और साथ ही में हम बात करें इसके चार्जिंग स्टेशन की, तो काफ़ी जगह स्टेशन खोले जाएंगे और 75 किलोमीटर के लिए आपको केवल 18 मिनट में आप चार्ज कर सकते हो, और काफ़ी जल्दी क्विक चार्ज होगा। अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ, तो बूट स्पेस में यहाँ पे वो है कि इसका बूट स्पेस यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया कि आप इजीली 2 हेलमेट आप इसमें रख सकते हो, जबकि अभी तक कोई भी स्कूटी का ऐसा बूट स्पेस नहीं आता है। बट इसके ओला के बूट स्पेस में आप 2 स्कूटीज़ आप इजीली, मतलब 2 हेलमेट आप इजीली रख सकते हो, जो कि इनके CEO ने हमें दिखाया। और काफ़ी जल्दी एक्सेलरेशन है और काफ़ी अच्छे ब्रेक भी इसमें दिए गए हैं, जो कि काफ़ी मतलब
काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की गई है। और बात करूँ यहाँ पे इसकी डिस्प्ले की, तो 7 इंच का इसमें डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि गूगल मैप्स वगैरह आपको शो करेगा, मतलब इनका ओला का भी मैप हो सकता है या फिर खुद का मैप भी हो सकता है, जो भी मैप है वो वहाँ पे शो करेगा। और आप वहाँ पे नेविगेशन के दौरान मतलब जो भी चीज़ आपको देखनी है रोड पे वो आप इजीली देख सकते हो। और साथ ही में ये भी कहा गया है कि आपके फ़ोन से डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, आप कॉल्स वगैरह मैसेज वगैरह आते हैं तो वो भी आप वहाँ पे देख सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कीलेस एंट्री का ऑप्शन रहेगा, मतलब डायरेक्टली जैसे रहता है ना कार वगैरह में तो आप डायरेक्टली की को लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बटन दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी, वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे रहेगा। और साथ ही मैं मतलब चीज़ें ऐसी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रोड साइड की डिलीवरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिलीवरी डोर टू डोर की जाएगी, मतलब कोई डीलरशिप वगैरह कोई भी चीज़ें बीच में नहीं है, डायरेक्टली आपके घर पे ये चीज़ डिलीवर की जाएगी। और अगर आप मैं बात करूँ तो कई लोगों को ये जानना है एक्सपीरियंस कैसे होगा, तो एक्सपीरियंस जोन भी यहाँ पर बनाए जाएंगे, मतलब जो मेजर सिटीज़ है वहाँ पर एक्सपीरियंस जोन बनाए जाएंगे और कहीं जगह पर मतलब आप उन्हें खुद जाकर एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो जैसे तैसे जोड़ ताड़ के ये वीडियो शूट तो कर लिया हमने, बट इसको डालेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी जगह शूट करेंगे जहाँ पे कोई दिक्कत ना हो और चीज़ें एकदम स्मूथ हो। और अगली चीज़ की बात करें तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आपकी डिलीवरी है जो एकदम स्मूथ रहेगी। यार मतलब मैं परेशान हो चुका हूँ ये वीडियो बनाते बनाते कोई ना कोई आता है पूछता है क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो भैया क्या कर रहे हो, फिल्म की शूटिंग चल रही है। और जो भी आता है वो स्माइल देकर जाता है, मतलब अच्छा लगता है। अब डिलीवरी की बात हो चुकी है तो यहाँ पर बात करें सर्विस वगैरह थी सर्विस वगैरह की, तो सर्विस वगैरह भी इसकी ऐसी है कि मतलब जो स्कूटर है वो पूरा इलेक्ट्रिकल है, पूरी सॉफ्टवेयर की दिक्कतें रहेगी, मतलब कोई इंजन ऑयल डालना नहीं पड़ेगा, कोई पेट्रोल डालना नहीं पड़ेगा, कोई गियर ऑयल नहीं डालना पड़ेगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। तो जो सर्विस है वो भी अधिकतम ऑनलाइन ही होगी, कुछ ज़्यादा मेजर इशू होते हैं तो शायद वो सर्विस एम्प्लॉय आपके घर पर भेजेंगे और उसको ठीक कर देंगे, बट जहाँ पर ओला की कोशिश ये रहेगी कि जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही सोल्व कर दी जाएगा, कस्टमर को विजिट करने की जरूरत नहीं पड़े, कस्टमर को दिक्कत करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब कोई भी दिक्कत ना हो। तो ओवरऑल अगर आप बुकिंग करना चाहते हो 499 रुपये का अमाउंट देके बुकिंग कर सकते हो, बुकिंग में कोई इशू नहीं होगा, रिफंडेबल अमाउंट है, शायद 15 अगस्त को रिलीज किया जा रहा है, और उसके बाद में अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हो तो कैंसिल भी कर सकते हो। और इसकी कीमत शायद हो सकता है कि शायद 1 लाख के अबव जाए, मतलब 1 लाख भी जा सकती है, उससे कम भी जा सकती है, क्योंकि चीज़ें और फीचर्स इतने अच्छे हैं कि शायद किसी स्कूटर में नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज 175 किलोमीटर तक की होने वाली है और 100 किलोमीटर की स्पीड होगी तो काफ़ी बेटर रहेगा, हम कहीं लंबी राइड के लिए भी जा रहे हैं तो वो हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक स्कूटर में ये रहता ना कि अभी तक सीन ऐसा है कि छोटी राइड के लिए अच्छा है। देखते हैं कैसा रहता है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हालांकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा जोड़ तोड़ मरोड़ हो चुका है, बट मैं क्या करूँ, मतलब कोई जगह नहीं मिल पा रही थी बट इसलिए यहाँ पर शूट कर लिया। देखते हैं क्या रहता है, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम बिल्कुल डेफिनेटली आगे शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आप आ जाओ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आई होप गाइज आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि हमारे YouTube चैनल के नए नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।